फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बनाएंगे सहजन की फली की सब्जी। तो इसके लिए हमने ये सहजन की फली को छील कर काट कर धो लिया है, और ये दो टमाटर काट लिए हैं, और ये आलू, इसे सब साफ करके धुल कर रख लिया है। अब ये कुछ मसाले हमें पीस कर तैयार करना है। इसके लिए हम लेंगे सरसों के दाने, लहसुन की कलियां, जीरा, मोटी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च। इसे हम सिलबट्टे पर अब पीस कर तैयार कर लेते हैं। ये मसाले हमने सारे पीस कर तैयार कर लिया है, तो चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। तेल हमारा गर्म हो चुका, अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच मेथी दाना। इसके बाद ये मसाला, सारी सब्जियों को डालेंगे, साथ में ये टमाटर को डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर। दो चम्मच धनिया, एक चम्मच लाल मिर्च, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर धीरे धीरे भूनेंगे। सब्जी हमारी भुन चुकी है, अब इसमें हम पानी डालकर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम अपनी सब्जी खोलकर चेक कर लेते हैं। ये आलू हमारी देखिए पक गई है, सब्जी हमारी पककर तैयार है। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। सब्जी हमारी बनकर तैयार है, इसे आप घर पर बनाइए और सबको खिलाइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।